हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं पनीर नगेट्स एकदम डिफरेंट स्टाइल और डिफरेंट टेस्ट के साथ। तो आज का ये वीडियो पूरा देखिएगा, वो भी बिना स्किप करे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, यहाँ पे मैंने आधा किलो जितना अमूल का फ्रेश पनीर ले लिया है, जिसको मैंने रेक्टेंगल पीसेस में कट कर लिया है। आज हम जो पनीर नगेट्स बना रहे हैं, उसके लिए हमें पनीर के बड़े बड़े पीसेस चाहिए। आप चाहें तो इन्हें स्क्वायर पीसेस में भी कट कर सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम इसे रख देते हैं साइड में। दूसरे बाउल में हम ले लेते हैं 2 चम्मच जितना तेल। इसके अंदर हम डालेंगे काफ़ी सारे मसाले। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1/4 चम्मच जितनी कसूरी मेथी, जिसको मैंने हाथों से क्रश कर लिया है। 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर। 1/4 चम्मच हम डालेंगे इसके अंदर गरम मसाला। 1/2 चम्मच पर डालूंगी इसके अंदर शेजवान मसाला। एकदम डिफरेंट टेस्ट के साथ आज हम बनाने वाले हैं हमारे पनीर नगेट्स। तो हम डालेंगे इसके अंदर 1/2 चम्मच जितना शेजवान मसाला। 1 चम्मच में डालूंगी इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, जो एकदम बढ़िया सा रंग देगा हमारे पनीर नगेट्स को। 1/2 चम्मच हम डालेंगे इसके अंदर धनिया पाउडर। और लास्ट में मैं डाल दूंगी इसके अंदर 1/4 चम्मच जितना नमक। आप नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, लेकिन थोड़ा हिसाब से ही रखिएगा, क्योंकि हमें आगे भी नमक यूज़ करना है। सारे मसाले को आप तेल में अच्छे से मिक्स कर लीजिए और फिर पनीर को इसके अंदर डाल के अच्छे से मसाले को पनीर से कोट करके इसे आप मैरिनेट होने छोड़ दीजिए 15 से 20 मिनट के लिए। तो देखा आपने, एकदम डिफरेंट स्टाइल में आज हम तैयार कर रहे हैं हमारे पनीर नगेट्स। टेस्ट भी अलग है और स्टाइल भी अलग है। हल्के हल्के हाथों से करिएगा, ज़्यादा ताकत लगा दी तो पनीर के जो पीसेज है ना, वो टूट जाएंगे। तो जैसे ही आपका पनीर अच्छे से मसालों में कोट हो जाए, इसे आप 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब जब तक हमारा पनीर यहाँ पे मैरिनेट हो रहा है, हम बेसन के घोल तैयार कर लेते हैं। तो दूसरे बाउल में हम ले लेंगे 1 कटोरी जितना बेसन। यहाँ पे मैं रेगुलर बेसन का यूज़ कर रही हूँ। और साथ ही हम डालेंगे इसके अंदर 1/2 कटोरी जितना मैदा। मैदे से हमारे जो पनीर नगेट्स है ना, एकदम क्रिस्पी बनेंगे और टेस्ट भी एकदम डिफरेंट आएगा। 1/4 चम्मच जितना हम डालेंगे इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर। 1/4 चम्मच हम डालेंगे इसके अंदर हल्दी पाउडर। और 1/4 चम्मच ही मैं डाल दूंगी इसके अंदर नमक। नमक टेस्ट के हिसाब से, हमने पहले भी डाला है तो ध्यान से डालिएगा। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और इसका एकदम सेमी थिक सा बैटर रेडी कर दीजिए। जैसे हम अपने रेगुलर पकौड़ों के लिए बैटर रेडी करते हैं ना, उससे हमें थोड़ा सा थिक बैटर यहाँ पे इसका रेडी करना है। आप यूँ समझिए, जैसे हम बटाटा वड़े के लिए अपना घोल कैसा तैयार करते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही हमें यहाँ पे पनीर नगेट्स के लिए अपना घोल तैयार करना है। पानी एकदम थोड़ा थोड़ा करके डालिए, क्योंकि अगर आपने इनिशियली ज़्यादा पानी डाल दिया ना, तो आपको और बेसन डाल के आपको उस कंसिस्टेंसी को मैनेज करना पड़ेगा। इसलिए जब भी आप कोई भी पकौड़ियों का घोल बनाए ना, पानी हमेशा थोड़ा थोड़ा करके डालिए। तो यहाँ पे एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी का हमारा बेसन का घोल तैयार हो चुका है। इसको मैं रख देती हूँ साइड में। और मैंने यहाँ पे ले लिया है कॉर्नफ्लेक्स, मतलब जो हम दूध के साथ अपना कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं ना, वो, जिसको मैंने मिक्सर ग्राइंडर में हल्का सा दरदरा पीस लिया है। आप चाहें तो यहाँ पे ब्रेड क्रम्स का यूज भी कर सकते हैं। यहाँ पे पनीर को हो चुके हैं 20 मिनट, वो अच्छे से कोट हो चुका है। पनीर पे सारे मसाले अच्छे से चिपक चुके हैं। तो दूसरी प्लेट में मैं ले लूंगी यहाँ पे मैदा और हम ले लेंगे 1 खाली प्लेट। अब हमें क्या करना है, इस पनीर को हमें मैदे में अच्छे से कोट कर लेना है। सब साइड से कोट करके इसे आप दूसरी प्लेट में रख लीजिए। इस प्रोसेस को हमें इसलिए करना है ताकि जब हम इसे बेसन में डिप करें ना, तो हमारा जो यहाँ पे मैरिनेटेड मसाला है ना, वो इस पे चिपका रहे, मतलब पनीर पे चिपका रहे, वो बेसन में घुल ना जाए। इसलिए ये प्रोसेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस इसी तरीके से मैं अपने सारे पनीर को मैदे में अच्छे से कोट कर लेती हूँ। सारी कोटिंग अच्छे से हो चुकी है, तो अब हम ले लेंगे हमारा बेसन का घोल, हमारे क्रस्ट कॉर्नफ्लेक्स या फिर ब्रेड क्रम्स, जो भी आपकी चॉइस हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। और अब हम तैयार करते हैं हमारे पनीर नगेट्स। अब क्या करना है, आप एक पनीर के पीस को उठाइए, उसे बेसन में डिप करिए और अपने कॉर्नफ्लेक्स से कोट कर दीजिए। तो देखा आपने, एकदम डिफरेंट टेस्ट और डिफरेंट स्टाइल से आज हम बनाने वाले हैं हमारे पनीर नगेट्स। यूजुअली तो लोग सिंपल तरीके से पनीर पकौड़े तैयार कर लेते हैं, जिसमें वो पनीर को काटते हैं, बेसन में डिप करते हैं और तल लेते हैं। लेकिन आज हम पनीर पकौड़ों को एक अलग नाम, अलग टेस्ट और अलग स्टाइल से बना रहे हैं। इस स्टाइल से अगर आपने पनीर पकौड़े घर पर ट्राई किए ना, तो गारंटी है कि आपकी फैमिली हर बार यही बनाने की डिमांड करेगी। रेगुलर पनीर पकौड़ों को तो वो बिल्कुल भूल ही जाएगी। यहाँ पे मैंने तेल ऑलरेडी गर्म होने रख दिया था। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखना है और इन पनीर नगेट्स को हमें तब तक तल लेना है जब तक ये एकदम क्रिस्पी नहीं हो जाते और इनका कलर थोड़ा सा गोल्डन नहीं हो जाता।
ये जो शेजवान पनीर पकौड़े हैं ना या पनीर नगेट्स है ना, ये आपको कैसा टेस्ट देंगे बताओ। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप KFC में जाके चिकन नगेट्स ऑर्डर करते होंगे, या फिर आप वेजिटेरियन हैं तो मैकडी में जाके पनीर बर्गर ऑर्डर करते होंगे ना, तो पनीर की ऊपर की लेयर एकदम क्रिस्पी होती है, अंदर से पनीर एकदम सॉफ्ट होता है, बिल्कुल वैसा टेस्ट देंगे आपको ये आज के हमारे पनीर नगेट्स। देखिए यहाँ पे मेरा पहला लॉट रेडी हो चुका है, इसी तरीके से मैं अपने बाकी के पनीर नगेट्स भी रेडी कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने आधे पनीर को कॉर्नफ्लेक्स में कोट करके तला है और आधे पनीर को मैंने डायरेक्टली मैरिनेटेड पनीर को मैंने बेसन में डिप करके तल लिया है। मैंने दोनों तरीके से पनीर यहाँ पे तैयार करी है। तो आप भी इस रेसिपी को ना एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा, आपके बच्चों आपकी फैमिली को ये पनीर नगेट्स बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो यहाँ पे मैंने अपना सेकेंड लॉट भी रेडी कर लिया है, ऊपर से हम डालेंगे इसके ऊपर चाट मसाला, ताकि जब हम इसकी बाइट लेना तो इनिशियली हमें खट्टा चटपटा और एकदम तीखा टेस्ट मिले। तो यहाँ पे झटपट डिफरेंट टेस्ट डिफरेंट स्टाइल से हमने अपने पनीर नगेट्स रेडी कर लिए हैं। यहाँ पे मैंने अपने रेगुलर मतलब जो हम सिंपल पनीर पकौड़े हैं वो भी मैंने रेडी कर लिया है, घर में जिसको जो पसंद आएगा वो खा लेगा। तो इस रेसिपी को घर पर ट्राई करिए, आपका फीडबैक आपका एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स पे ज़रूर शेयर करिएगा कि आपकी फैमिली आपके बच्चों को ये पनीर नगेट्स की रेसिपी कैसी लगी। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय, एंड डू शेयर माई वीडियो एज मच एज यू कैन।